टेली प्राइम में अगर आपको पेरोल नहीं आता है तो बस आज ही ये वीडियो देखने के बाद 5 से 10 मिनट लगेंगे और पेरोल आपको बाएं हाथ का खेल लगेगा। कैसे, आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये टेली प्राइम ओपन कर लिया। अब ये कंपनी इसमें है, देख सकते हैं 1234@company करके मैंने बनाया है। अब इसमें सबसे पहले तो पेरोल चालू करना है, तो पेरोल चालू करने के लिए क्या करेंगे, यहां पर आप देख सकते हैं ये क्रिएट दिया हुआ है, इस क्रिएट पे चलेंगे और क्रिएट पे जाने के बाद यहां देखिए कहीं पेरोल दिखाई दे रहा है, इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपको क्या करना है, शो मोर पे जाना है। शो मोर पे जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे, अब यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर भी आपको पेरोल दिखाई नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो फिर यहां पे शो इनएक्टिव पे क्लिक कर दीजिएगा, तो बस यही पेरोल है और ये पेरोल मास्टर जो दिख रहा है इस पे डबल क्लिक कर दीजिएगा तो ये एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। अब जब ये एक्टिवेट हो जाए तो अब आपको क्या करना है, जैसे ही ये पेरोल एक्टिवेट होगा, ये देखिए ये पेरोल एक्टिवेट हो गया, तो यहां से देखिए अगर आपको एम्प्लॉय की कैटेगरी बनानी है तो कैटेगरी पे जा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हमें कैटेगरी बनानी है तो ये आ गई कैटेगरी है, और यहाँ पे कैटेगरी टाइप कर देते हैं, जैसे सेल्स की एक कैटेगरी है, ठीक है, और यहाँ पर जैसे सब कुछ दिया हुआ वैसे ही रखना है आपको, और ये सेल्स की कैटेगरी बन गई, ठीक है। और यहाँ पे अकाउंट्स की कैटेगरी बना देते हैं, अकाउंट्स, तो ये सेल्स और अकाउंट्स दो चीजें हमने बना दी है, ठीक है। अब यहाँ से बाहर आ जाते हैं, ये आ गए बाहर, अब हमको क्या करना है, एम्प्लॉय ग्रुप चाहे तो बना सकते हैं, हम एम्प्लॉय क्रिएट करते हैं, तो यहाँ से चल के एम्प्लॉय क्रिएट करना है, तो एम्प्लॉय का नेम वगैरह देना होगा, और सबसे पहले तो ये कैटेगरी देखनी होगी, कैटेगरी हमने बनाई थी जो, तो अभी हम अकाउंट्स की कैटेगरी में इसे डालते हैं और इसका नाम राजू कर देते हैं, राजू, जो भी एम्प्लॉय है उसका नाम है राजू, और यहाँ डेट ऑफ ज्वाइनिंग 1 अप्रैल। अब चूंकि मैं एजुकेशनल वर्जन यूज कर रहा हूँ, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसमें 1 तारीख और 2 तारीख के डेट में आप काम कर पाएंगे, या 30-31 में कभी कभार, तो इसीलिए मैं यहाँ पर 1 अप्रैल से 1 मई की डेट रखूंगा, 30 तक नहीं रखूंगा, 30 अप्रैल तक नहीं रखूंगा, 1 मई तक की डेट रखूंगा, ठीक है। और यहाँ सैलरी के डिटेल को डिफाइन करने के लिए यस कर सकते हैं आप, और यहाँ पे जैसे यस करेंगे ये देखिए यहाँ पे ये इस तरीके से आ जाएगा। अब सबसे पहले क्या करना है, हमें बेसिक सैलरी का एक पेहेड बनाना होगा, तो यहाँ पे लिखिए बेसिक सैलरी, इस तरीके से बेसिक सैलरी लिख दीजिएगा, और यहाँ ये अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज होता है और ज्यादातर मामलों में फिक्स्ड ही होता है, तो फिक्स्ड ही रखते हैं, और इसे डालेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, किसमें डालेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और यहां पर आइएगा तो ये देखिए ये आ गए। अब यहां पर क्या करना है आपको, यहां पर आपको देना है ऑन अटेंडेंस, क्या देना है, ऑन अटेंडेंस, अगर आप डेली आएंगे तो ही आपको सैलरी मिलेगी, अदरवाइज आपको सैलरी नहीं मिलेगी। अब यहां से अल्ट सी करके और लीव विदाउट पे कर देते हैं, लीव लीव खाली लिख देते हैं, लीव लिख दिया, ठीक है, एंटर किया, एंटर किया, और इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं, ठीक है। और ये जो है लीव अगर लेते हैं तो सैलरी किस हिसाब से कटेगी, तो सैलरी जो है यहां पर करेंगे हम मंथ, ठीक है, ये लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ पीरियड, तो हम मंथ के हिसाब से सैलरी देंगे या जो भी है वो करेंगे, ठीक है, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। अब यहाँ पे सैलरी मान लीजिए बेसिक सैलरी कितनी है किसी की, 20,000 रुपए है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ 20,000 डालना हूं, ठीक है, ये 20,000 डाला। अब जो दूसरा पेहेड हमें बनाना है उसका क्या नाम है, उसका नाम है TA, ट्रेवलिंग अलाउंस भी मिलता है उसे, और ये भी अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज होता है, ज्यादातर मामलों में फिक्स होता है, लेकिन आप चाहे तो वेरिएबल भी रख सकते हैं, तो चलिए अभी फिक्स रख लेते हैं, बाद में वेरिएबल वगैरह करके देखते रहिएगा, ठीक है, ये आ गए। और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर आपको देना है ऑन कंप्यूटेड वैल्यू, कंप्यूटेड वैल्यू पे आ गए, और ये नॉर्मल राउंडिंग करके यहाँ पे आएंगे, ठीक है, क्योंकि ये भी एक अर्निंग ही होती है, और इसे हम ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला के तहत रखेंगे, बेसिक सैलरी के आधार पर ये कैलकुलेशन होगा, अगर अमाउंट 10,000 से ज्यादा है, ठीक है, सैलरी का अमाउंट 10,000 से ज्यादा है बेसिक सैलरी का, तो इनको 1% का TA मिलेगा, ध्यान दीजिएगा कितना परसेंट, 1%, आप चाहे तो ये अमाउंट में भी रख सकते हैं, ठीक है, और अदरवाइज ये कितना मिलेगा, तो यहाँ पे कर देते हैं 2%, तो बस हो गया ये TA का भी ग्राफ तैयार हो गया। अगर आप DA चाहते हैं, डियरनेस अलाउंस, तो यहाँ DA भी बना सकते हैं, तो ये DA लिख दीजिएगा इस तरीके से, एंटर कर दीजिएगा, ये भी अर्निंग ही होता है, और इसको भी फिक्स्ड ही रख लेते हैं इस बार, ठीक है, और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस करके आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पर ये आएगा क्या, यहाँ पर आएगा ऑन कंप्यूटेड वैल्यू, तो ये कंप्यूटेड वैल्यू करके आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग करेंगे, और ये भी तो अर्निंग ही होता है, लेकिन यहाँ पे ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला बेसिक सैलरी के आधार पर रखेंगे। और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे कहेंगे हम कि सैलरी अगर 10,000 तक हो, ठीक है, ध्यान दीजिएगा 10,000 तक हो, तो इस बार वैल्यू रख लेते हैं, तो मिलेगा कितना, 300, ठीक है, या 500 कर देते हैं, 500 कर देते हैं, तो ये 500 हो गया, और 10,000 से ज्यादा हो तो कितना मिल जाएगा, 1,000 मिल जाएगा, ठीक है, तो वैल्यू पे ही जाना है आपको दोनों बार, ये ध्यान रखिएगा, ये वैल्यू आ गई और यहाँ पे 1,000 कर देते हैं, तो बस हो गया ये, ठीक है।
अब इसमें आपको टीए डीए भी दे दिया हमने, अब हमको पीएफ देना है। तो पीएफ के लिए फिर हम जाएंगे क्रिएट पे और फिर यहां से बना लेंगे पीएफ प्रोविडेंट फंड। तो पीएफ क्या होता है, पीएफ होता है डिडक्शन होता है, यहां पे क्या करना है आपको डिडक्शन करना है, डिडक्शन, ठीक है। और ये क्या होता है, ये होता है करंट लाइबिलिटीज में आता है, ठीक है, क्योंकि कटने के बाद ये मिलता भी है तो करंट लाइबिलिटीज में डाल दीजिएगा। और ये कंप्यूटेड वैल्यू करेंगे, कंप्यूटेड वैल्यू, ठीक है, कंप्यूटेड वैल्यू हो गया। और यहां पर आकर के ये जो है ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला ही कर देते हैं हम, ठीक है। तो ये ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला किया, बेसिक सैलरी कितनी हो, तो देखिए यहां बेसिक सैलरी अगर 10,000 है, 10,000 तो कितना कटेगा, परसेंटेज कर देते हैं 10%, 10,000 है तो 10% कट जाएगा पीएफ, और अगर 10,000 से ज्यादा है तो कितना कटेगा, 15% कटेगा। तो ये हमने दे दिया, ये पीएफ का भी पूरा तैयार हो गया ग्राफ, ठीक है। तो देखिए पेरोल बहुत आसान है, बहुत कठिन नहीं है। यहाँ पर एम्प्लॉय का जो भी नंबर हो वो दे दीजिएगा, एम्प्लॉय का यूनिक नंबर, डेजिग्नेशन, यहाँ पे अकाउंट्स डिपार्टमेंट से ये बिलोंग करते हैं ये दे दिया, अकाउंट का ही काम करेंगे तो अकाउंट ही देखेंगे, तो यहाँ पे अकाउंट कर दिया। और बाकी सारी लोकेशन देवरिया कर देते हैं, जो भी आपकी लोकेशन हो वो दे दीजिएगा। यहाँ पर मेल करेंगे, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ इनकी जो भी हो, 1/5/1990 कर दिया हमने, एंटर किया, एंटर किया, और बाकी सारी डिटेल भरते हुए आगे नीचे आ जाइएगा, ठीक है, और इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा। तो ये तो काम हो गया हमारा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हम चाहे तो इसमें अटेंडेंस बना सकते हैं, अटेंडेंस, ठीक है। अब ये अटेंडेंस कैसे बनेगा, चलिए बी प्रेस करके आ जाते हैं बाउचर में, ठीक है। इतना तो हमने कर लिया है, लेकिन अभी हमें कहाँ आना है, बाउचर में। और बाउचर में आने के बाद कहाँ चलना है, यहां से आपको दिख रहा होगा अदर बाउचर, तो अदर बाउचर में आना है और यहाँ पे अटेंडेंस भी बनानी है हमें। तो ये अटेंडेंस पे आ गए, और अटेंडेंस अब देखिए ये राजू की पूरी डिटेल यहाँ पे शो करेगी, लेकिन यहाँ पे अटेंडेंस बनाना है हमको। तो ये लीव है और लीव विदाउट पे है, तो कितने दिन ये छुट्टी पे रहे, जैसे मान लीजिए 2 दिन ये छुट्टी पे रहे, तो ये तो हमने अटेंडेंस का पूरा डिटेल बना लिया, ठीक है। अब यहां से क्या करना है, फिर अदर वाउचर पे चलना है, और इस बार किस वाउचर में आना है, पेरोल में आना है, ठीक है, पेरोल में आना है। इस बार मैं कैश से ही सैलरी दे देता हूँ, कैश, देखिए हमारे पास कैश शॉर्टेज है, तो पहले तो हमें कैश रिसीव कराना होगा, लेकिन चलिए ठीक है, बाद में इसको देखेंगे। यहाँ पर रेड में दिखाने का मतलब है कि आपके पास कैश नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट से हैं, और इनका नाम क्या है, राजू है, तो जो भी है ये सब ऑटो फिल करेगा। तो ये देखिए यहाँ पर 2 नीचे बार बने हुए हैं, तो इसका मतलब ये कंट्रोल के साथ एफ प्रेस करना है, और बाकी की सारी चीजें ये ऑटो फिल कर लेगा, ठीक है। ये सैलरी ही है तो सैलरी कर दिया हमने, और यहाँ पर 30 के बजाय क्या रखेंगे, 1/5/2022, ठीक है। और ये जो है अकाउंट्स डिपार्टमेंट से है, तो ये अकाउंट्स कर दिया, और बाकी की चीजें ये राजू नाम है इनका, एम्प्लॉय नेम के आधार पे आएगा, कैश में सैलरी प्रोवाइड करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बेसिक सैलरी के हिसाब से टोटल कैलकुलेट करके सारी चीजें एब्सेंट प्रेजेंट के हिसाब से, और पीएफ जो डिडक्ट हुआ वो सारी चीजें डिडक्ट वगैरह हो करके यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रही है। इनकी बेसिक सैलरी जो है कुल मिला के 20,000 थी, जो कि कट गई है, क्योंकि 2 या 3 दिन शायद ये एब्सेंट थे जिसके वजह से ये कटी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे इसको एक्सेप्ट करा लीजिए, और एक्सेप्ट कराने के बाद यहाँ से जब बाहर आइएगा तो यहाँ से क्या करना है आपको, यहाँ से चलना है पे स्लिप पर। तो ये देखिए यहाँ पे नीचे पे स्लिप पेरोल रिपोर्ट दिखाई देगा, और इसमें दिखाई देगा पे स्लिप, और यहाँ से चलना है अकाउंट्स पर, क्योंकि ये अकाउंट से ही बिलोंग करते हैं और राजू नाम है इनका। तो ये देखिए इनकी पे स्लिप यहाँ से जनरेट हो जाएगी, देखिए मैं दिखाता हूँ करके, अल्ट पी करिए और एंटर करिए, आई बटन प्रेस कर लीजिए, और यहाँ पे लीजिए इनकी पे स्लिप जनरेट हो गई, देख सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से ये पे स्लिप जनरेट होकर आई है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। पीएफ डिडक्शन हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं डिडक्शन हुआ है, ठीक है। पीएफ का डिडक्शन किस तरीके से हुआ है ये देख सकते हैं आप, ठीक है। और सारी चीजें एकदम एक्यूरेट वे में तैयार होकर आपके सामने आ जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी वीडियो आपके लिए काफी कारगर होगी टैली की, और आप पेरोल बनाना सीख जाएंगे, ठीक है। अगर फिर भी कोई दिक्कत होती हो तो लाइव क्लास के लिए आप डिमांड करिएगा, मैं लाइव क्लास ले लूंगा, ठीक है, पूरा का पूरा पेरोल के ऊपर ही, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, थैंक यू।